वेलकम बैक टू डिस स्टोर। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता है। तो अपन आज के जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात करने जा रहा हूँ आप पबजी लॉन्चिंग डेट के बारे में। उसके अलावा अगर बात करें IPL 2021 की सबसे मतलब पहला गुड न्यूज़ हमें मिला। उसके अलावा अगर बात करें ISL की मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा कल यानी कि 10 तारीख को, जो कि खेलने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और ATK मोहन बगान, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाले। उसी के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी छोटी छोटी अपडेट है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहला जो अपडेट आ जाते हैं, और ये आपको बता दूँ 2020-21 की पहला वीडियो है, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक पेमेंट, जो कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है और ना टिकटॉक वापस आएगा, इसके ऊपर आशा बिल्कुल नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि टिकटॉक फिर से इंडिया में आ जाए। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए टिकटॉक में एक नए फीचर लॉन्च हुआ, वो है टिकटॉक पेमेंट। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें व्हाट्सएप पेमेंट है और वहाँ टिकटॉक पेमेंट लॉन्च हो चुका है। बाकी अगर बात करें इससे हमें कोई लेना देना तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अपडेट था तो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें IQ7 जो कि लॉन्च होने वाला है, एक बहुत अच्छा फ़ोन है जो कि 11 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, और इस फ़ोन की अपडेट आपको मैंने क्यों दिया आपको बता दूं, जो कि 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि बहुत कम टाइम में, लगभग 20 मिनट के आसपास, उससे भी कम टाइम में फुल चार्ज कर देगा। तो इसी कारण से आपको मैंने बता दिया, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पबजी लॉन्चिंग डेट, जी हाँ, पबजी के बारे में अगर बात करें, इससे पहले भी हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिले कि अभी लॉन्च हो रहा है, कुछ दिन बाद लॉन्च आ रहा है, कभी कभी तो हमें डेट भी मिल रहा था, और जो कि देखा जाए तो भाई कोई भी डेट में लॉन्च नहीं हुआ। और फाइनली जो कि 2021 में एक लॉन्चिंग डेट हमें मिला, वो है 16 जनवरी को पबजी लॉन्च होने वाले। हालांकि अगर बात करें यह डेट कहाँ से आया अभी तक किसी को मालूम नहीं कि, लेकिन देखा जाए तो भाई चारों तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि 16 फरवरी को लॉन्च होने वाला है पबजी। तो देखते हैं भाई, एक डेट मिला आखिरकार, अगर लॉन्च हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आगे जाके हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें IPL की तरफ से, IPL की लेजेंड किंग इलेवन पंजाब की प्लेयर जो कि क्रिस गेल, जो कि इधर अगर बात करें सुनने को मिल रहा था कि वो रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट लेने वाला था, लेकिन फाइनली उन्होंने खुद बताया कि हम अभी रिटायर नहीं लेंगे और आगे और 5 साल तक खेलेंगे। तो इधर अगर बात करें 2021 की पहला गुड न्यूज़ IPL की तरफ से जो हमें सुनने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट्सएप की तरफ, देखिए अगर बात करें सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप जो कि काम करना बंद कर दिया बहुत सारे फ़ोनों में। यह तक अगर देखा जाए iPhone 6s या फिर iPhone 6 में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे देखने को मिला, जहाँ तक मैंने फ़ोन्स देखी, बहुत ही छोटी छोटी, यानी कि अगर बात करें कम रोम या रैम वगैरह की फ़ोन देखा, फिर भी मुझे लगा कि भाई बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा केस क्या आपके साथ हुआ, या फिर आपने देखा किसी की व्हाट्सएप बंद हुआ, तो मुझे निश्चय कमेंट में बता देना एक बार ज़रूर। नेक्स्ट अगर बात करें कल की मैच के बारे में, देखिए अगर कल जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और ATK मोहन बगान। देखिए अगर बात करें इस मैच को लेके, ATK जो है बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है, बेशक बहुत अच्छा खेल दिखाते आ रहा है, और आगे जाके जो कि ATK क्वालिफाई भी होने वाला है। वही अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को लेके, देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो है इस टाइम पे भाई उतना अच्छा खेल नहीं दिखा पा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए ये जो मैच है डू और डाई समझ लो आप। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इस मैच में हारे तो क्वालिफाई होना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा, और अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इस मैच को जीते तो आगे जाके क्वालिफाई होने की चांसेस बहुत बहुत अच्छे से बनने वाला है। सब कुछ मिला जुला के अगर देखा जाए तो भाई, अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैन हो तो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कीजिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को जिताओ। बाकी अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से,
भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, हर एक प्लेयर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, और उसके अलावा अगर बात करें कोच भी काम कर रहा है, सब कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए नोटिस यूनाइटेड एफसी की तरफ से 100% देने वाला है। बाकी देखा जाए तो भाई बाकी अगर पता नहीं कौन जीते, बाकी एटीके मोहन बागान की एक बहुत अच्छी टीम है, तो ऐसे में रिजल्ट जो क्या होने वाला है भाई काफ़ी मुश्किल सवाल है। अगर इस मैच में नोटिस यूनाइटेड एफसी जीते तो समझ लो भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी आगे जाकर क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन अगर हारे तो समझ लो भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी इस साल के लिए भी टाटा बाई बाई कहना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट